जिजारा से विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बाबा बालकनाथ ने अपनी सांसदी से इस्तीफा दे दिया। इन सब के बीच राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री पद के लिए बाबा बालकनाथ को प्रबल दावेदार माना जा रहा है। सन्यासी जीवन के बाद राजनीतिक सफर पर निकले बाबा बालकनाथ ने 6 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था। अपने झोले में चूरमा और कुछ कपड़े लेकर घर से निकले बालकनाथ की चर्चा आज देश भर में हो रही है। आपको बताएं कि बाबा बालकनाथ एक सामान्य परिवार से हैं। उनके पिता ने बाबा खेतनाथ को अपना बेटा दान दे दिया था। अब बालकनाथ की जीत के बाद पूरा परिवार और गांव बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहता है। और राजस्थान में फिलहाल अगर किसी का नाम सबसे तेजी से दौड़ रहा है तो वो बालकनाथ ही है। आपको बताएं कि बाबा बालकनाथ का नाम सबसे आगे होने का कारण उनकी हिंदुत्व वाली छवि ही है, जिस रास्ते पर फिलहाल पूरी भारतीय जनता पार्टी चल रही है। बालकनाथ की तुलना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हो रही है। बाबा बालकनाथ का मठ रोहतक में है, जिसका हरियाणा सहित राजस्थान और आसपास के इलाकों में अच्छा प्रभाव है। बालकनाथ हिंदुत्व की छवि में पूरी तरह से फिट बैठते हैं। अगर भाजपा इन्हें इस बार आगे करती है तो पार्टी के लिए सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि हरियाणा में भी ध्रुवीकरण करना आसान हो जाएगा। यही कारण है कि लोगों को लग रहा है इस बार यूपी की तरह राजस्थान में भी एक बाबा मुख्यमंत्री देखने को मिल जाए। हालांकि बाबा बालकनाथ जैसे नेता को अगर पार्टी सीएम नहीं बनाती है तो हो सकता है डिप्टी सीएम ही बना दे। संभावना है कि राजस्थान में 2 या 3 मुख्यमंत्री हो सकते हैं और इनमें जीते हुए सांसदों को फिट किया जा सकता है। राजस्थान तक से खास बातचीत में बालकनाथ के माता पिता ने कहा कि उन्होंने अपना बेटा देश की सेवा के लिए दान किया है। बालकनाथ की माँ उर्मिला ने कहा कि उनको कोई गम नहीं है, उल्टा खुशी है कि उनका बेटा देश की सेवा में लगा है। पिता सुभाष यादव ने कहा कि शुरुआत में जब वो अपना बच्चा दान कर रहे थे, साधु बनने के लिए भेज रहे थे, उस समय मन में कई सवाल थे, लेकिन अब लगता है शायद विधाता को यही मंजूर था। ब्यूरो रिपोर्ट राजस्थान तक।